ऑटोसोमल एब्रेशन को डिफाइन करते हैं एनी चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Any change in structure of chromosomes आपकी किताब में जो डेफिनेशन लिखी है मैंने वो लिखी। चार तरह की क्रोमोसोमल अब्रेजन आपने पढ़नी है। सबसे पहली क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और इसको कहते हैं हम डिलीशन। ठीक है, सबसे पहली क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिलीशन। रीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, रीजन को डिफाइन करेंगे इफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम इज मिसिंग अगर किसी क्रोमोसोम का कुछ स्मॉल सेगमेंट अगर मिसिंग हो तो उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम डिलीशन। ठीक है, दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग। ये देखिए, अच्छा सेल की तरफ जाने से पहले क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट टूट गया, तो अगर क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट टूट गया तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं डिलीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिलीशन, जो मैंने आपको क्राइडोकैट वाली कंडीशन में बताया। ठीक है, कैट्स क्राई वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया। उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है चाहे शॉर्ट आर्म हो चाहे लॉन्ग आर्म हो वो मिस हो जाता है। तो कंडीशन बेटा क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी आपके पास डिलीशन। पांचवें क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म का थोड़ा सा पार्ट क्राइडोकेट में टूट जाता है, उसको नाम हम कहते हैं डिलीशन हो गई। अच्छा, अब डिलीशन की वजह क्या है, थोड़ा आप लोग सोचें कि डिलीशन की वजह क्या है। एक मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आपसे बात।
पीछे मियोसिस पढ़कर आ रहे हैं। आपको पता है कि कुछ पार्ट टूट के यहां से इधर आके लगता है और कुछ पार्ट टूट के यहां से यहां लगता है। बिल फर्स्ट कि अगर ये पार्ट एक्सचेंज के दौरान ना आके लगे, यदि एक्सचेंज के दौरान अगर ये पार्ट ना आके लगे, इसका पार्ट टूट के ना आके लगे, अब ये वाला क्रोमोसोम जिस गैमीट में जाएगा और वो गैमीट अगर जायगोट बना लेता है तो उसके अंदर ये टूटा हुआ क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये इंसान जो है वो डिवीजन सफर कर रहा है, ठीक है? तो इस स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, और इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी? इसकी डायग्नोसिस होगी अगर हम इसकी कैरियोटाइपिंग कराएं। इस बच्चे की, इस मरीज या मरीजा की अगर हम कैरियोटाइपिंग कराएंगे तो कैरियोटाइपिंग कराने पे क्या होगा? कैरियोटाइपिंग कराने पे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली मसला क्या है, ठीक है? कैरियोटाइपिंग कराने पे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली मसला जो है वो क्या है। चले, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिलीशन। देखिए, मैंने आपसे कहा कि फला के अंदर क्राइडियो कैट है, तो मैंने आपको साथ में एक बात ये भी बताई थी कि इस इंसान में एक क्रोमोसोम नॉर्मल होगा और एक टूटा हुआ। आमतौर पर अगर ये डिलीजन हुई है तो उस लिविंग के अंदर एक क्रोमोसोम की डिलीजन आपको नजर आएगी, वरना ये जानलेवा हो सकता है। अगर ये दोनों क्रोमोसोम की होती तो बेटा ये जानलेवा होता, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिलीजन। अच्छा, अब डिलीजन जो आपके पास दिखाई गई होगी कैसे दिखाई जाएगी? लेकिन ऐसे दिखाई जाएगी कि ये आपके पास क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ, इसमें ये जीन्स मौजूद है ए बी सी डी ई एफ जीन्स। जब इसमें डिलीजन हुई तो जीन्स क्या हो गए? ए बी सी डी, ये वाले जीन्स इसमें डिलीट हो, ठीक है? फॉर इंस्टेंस अगर ये क्रोमोसोम है तो डिलीजन की वजह से क्या हुआ? ये जीन उसमें से ओमिट हो गए, मिस हो गए। ठीक है, ये जीन उसमें से ओमिट हो गए, मिस हो गए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिलीजन, ठीक है? इसको हम डिलीजन का नाम देते हैं। कर लें, नोट कर लें।
पर आपने फिनाइलकेटोन यूरिया के बारे में बताया था, तो मुझे ये पूछना था कि वो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस दौरान अगर कोई म्यूटेशन होता है उस वजह से होता है, या इंसान जब बड़ा हो जाए एडल्ट हो जाता है तो कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, जैसे कोई भी यूवी रेज या कोई भी रेडिएशन उनकी वजह से होता है? ठीक है बेटा, फिनाइलकेटोन यूरिया जो है, देखें सबसे पहले ये सोचें कि जो फिनाइलकेटोन यूरिया बच्चा सफर कर रहे है उसके वालदैन तो नॉर्मल है, ठीक है, मोस्ट लाइकली वो नॉर्मल है। अगर तो नॉर्मल होने में दो बातें हैं, अगर उसके फादर की बात करें, एक क्रोमोसोम सही है, एक क्रोमोसोम पे फिनाइलकेटोन यूरिया का जीन मौजूद है, तो जिस क्रोमोसोम पे सही जीन मौजूद है हो सकता है कि किसी वजह से उसकी म्यूटेशन हो जाए। अब होगा क्या कि अब ऐसा हो सकता है कि फादर को खुद को वो बीमारी हो जाए, ठीक है, खुद को वो बीमारी हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वो एक्वायर्ड है। लेकिन अगर इस बच्चे के अंदर ये बीमारी है तो मोस्ट लाइकली ऐसा है कि उसने फादर और मदर दोनों की तरफ से फिनाइलकेटोन यूरिया का जो जीन है वो इनहेरिटेंस में इनहेरिट किया है, जिसकी वजह से उस बच्चे को फिनाइलकेटोन यूरिया है। क्योंकि पैदाइशी तौर पे अगर म्यूटेशन होने के चांसेस हो कंसिडर करें हम तो बहुत ही कम, ठीक है, पैदाइशी तौर पे अगर हम म्यूटेशन के चांसेस अगर होना इमेजिन करें तो बेटा उसके चांसेस बहुत ही कम। वो उसने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, ठीक है। अब पेरेंट्स में फॉर एग्जांपल अगर कंसेंजुअल मैरिजेज हुई, कजन मैरिजेज हुई, तो कजन मैरिजेज में ऐसा होता है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव से बीमारियां होती हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब वालदेन को नहीं है बीमारी लेकिन ऑफस्प्रिंग्स को है, ठीक है, बच्चे को है। तो वजह यह है कि उसमें एक एक उसमें क्रोमोसोम जो है दोनों फिनाइलकेटोन यूरिया जीन वाले क्रोमोसोम जो उसने पेरेंट्स से इनहेरिट किए, इस वजह से उसको ये बीमारी। ठीक है, चलें इसके बाद आइए फर्दर। अगला आपको बताने जा रहा हूं डिसऑर्डर, वो आपके पास है डुप्लीकेशन। अगर आप इनके नामों के लेटर्स मतलब पे ही गौर कर लेंगे तो ये होगा कि आपको बहुत सारी चीजें करना आसान हो जाए, ठीक है। दूसरा बेटा डिसऑर्डर है आपके पास डुप्लीकेशन। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस टू आ क्रोमोसोम ऑलरेडी हैविंग दोस जीन्स, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस टू अ क्रोमोसोम ऑलरेडी हैविंग दोस जीन्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कहलाता है डुप्लीकेशन। ये रही आपने जो भी क्रोमोसोमल एब्लेशन पढ़नी है ना वो आपने पढ़नी है मियोसिस को सामने रखते हुए,
ये दो आपके पास क्रोमोसोम है, आपको पता है कि ब्रेकिंग और रिज्वाइनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां से पार्ट टूटा, इधर चला गया, इधर से इधर आया ही, यहां से तो पार्ट टूट के इधर आ गया, लेकिन यहां से टूट के इधर नहीं आया। अब ये वाला क्रोमोसोम जिस गैमीट में जाएगा, और ये वाला गैमीट अगर जायगोट बनाएगा, तो हम कहेंगे वो डुप्लीकेशन सफर कर। अब मेरे इन अल्फाज को सुन के आपका जहन क्या कह रहा होगा? मेरे इन अल्फाज को सुन के बेटा आपका जहन, आपके से कुछ लोगों का जहन ये कह रहा होगा कि सर इसका मतलब तो है कि यहाँ पे डिलीजन भी होगी और डुप्लीकेशन भी होगी। तो मैं कहूंगा जरूरी नहीं, इसलिए कि देखें आपके सामने बोर्ड पे मैंने दो क्रोमोसोम बनाए हुए हैं, हर क्रोमेटिड अलग अलग गैमेट्स में जाता है, तो चार मुख्तलिफ गैमेट्स में चार टुकड़े जाएंगे, ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा। और आपको बताए जायगोट एक बनना है, मैं इंसानों की बात करूं जायगोट एक बनना है, 99.999% जो है वो जायगोट एक ही बनना है। जब जायगोट बेटा एक ही बनना है तो फर्ज करें कि ये डुप्लीकेटेड वाला क्रोमोसोम अगर गैमेट में गया और उसने ओवम के साथ फ्यूज किया और जायगोट बनाया, तो अब आप जरा गौर करें कि उसमें क्या होगा, उसमें उस जायगोट के अंदर आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मिलेगा, हम कहेंगे वो डुप्लीकेशन सफर कर। ठीक है, दिस इज सेट टू बी व्हाट, दिस इज सेट टू बी डुप्लीकेशन। ठीक है, तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्सेस टू अ क्रोमोसोम ऑलरेडी हैविंग दोस जीन्स कॉल्ड, ऑलरेडी हैविंग दोस जीन्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। अब ऑलरेडी हैविंग दोस जीन्स वाली बात कैसे नजर आएगी? फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई और एफ क्रोमोसोम पे जीन्स मौजूद है, जब डुप्लीकेशन हो गई तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ और अगेन आपको क्या मिलेगा, ई एफ में, या जो भी जीन जिसके ऊपर पहले से मौजूद थे वो आपको रिपीटेडली मिलेगा। जो भी जीन बेटा पहले से मौजूद थे वो आपको उसके ऊपर रिपीटेडली मिलेंगे, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी आपके पास डुप्लीकेशन। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। अब आपके जहन में आएगा सर आपने डिलीजन के बारे में हमें एक बीमारी बता दी क्राइडियोकैट, तो क्या डुप्लीकेशन की वजह से भी कोई बीमारी होती है? बीमारी होती है बिल्कुल, वो तो क्राइडियोकैट तो आपकी किताब में नहीं है, मैंने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पीछे बता दी थी तो अभी रिपीट कर दी। यहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि आप उनको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, ना ही आपके कोर्स का हिस्सा है, तो बस आप समझ लें कि डुप्लीकेशन इसको कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर के एक्चुअली डिफेक्ट, ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब ब्रेकिंग और डिज्वाइनिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन आपको याद है, एट क्यास्मेटा देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बाय ब्रेकिंग एंड डिज्वाइनिंग ऑफ क्रोमेटिक पार्ट्स। जब ब्रेकिंग और रिज्वाइनिंग हो रही है तो वहां पे डिफेक्ट हुआ और वो एक जगह से ब्रेक हुआ, एक जगह से नहीं हुआ, वो वाला पार्ट आगे उसके ऊपर लग गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वजह बनी डुप्लीकेशन। और नाम पे गौर कर ली, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब है रिपीटेशन। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब है रिपीटेशन। चले कर ले, नोट कर ले। ल्यूकेमिया जो है वो डुप्लीकेशन के एग्जांपल में आ सकता है ना? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वजह अभी आगे समझ में आएगी, वो ट्रांसलोकेशन की वजह से हो। ल्यूकेमिया में पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने फौरन ये सवाल मुझसे कर लिया, कभी जिंदगी में किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल नहीं किया, इतना मजा। आपकी प्रीवियस नॉलेज माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, तो आपने मुझसे ये सवाल भी कर ली।
बेटा वो ट्रांसलोकेशन की वजह से आता है। ट्रांसलोकेशन में किसी और क्रोमोसोम का पार्ट अगर आके लग जाए तो वो दरअसल आपके पास ट्रांसलोकेशन कराता है, वो डुप्लीकेशन नहीं कराता। अच्छा, मैं आपका कंफ्यूज हो रही थी कि आपने सही है, आपका पूछना सवाल पूछना बिल्कुल वैलिड है कि वो सर आपने जो फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमें पहले क्लासेस में कभी दिखाया है वो पार्ट एक्स्ट्रा आके लगा हुआ है, तो बेटा वो होमोलोगस क्रोमोसोम का नहीं है बल्कि वो हेटरोलोगस क्रोमोसोम का होगा, जिस वजह से वो डुप्लीकेशन नहीं ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। इंशाल्लाह अभी इसी के बाद ट्रांसलोकेशन की बात बारी आ रही है। चलें डुप्लीकेशन के बाद तीसरा आ जाइए बेटा, ट्रांसलोकेशन की बात करने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टू आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन।
यहाँ मलाइजा फरमाने कह रहे कि वैसे क्रोमोसोम्स की डायग्राम बनाऊंगा आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए इसका कुछ पार्ट टूट के यहां आगे लगे, इसका पार्ट टूट के इधर आके लग गया और इसका कुछ पार्ट टूट के इधर आके लग गया। ठीक है, इसका कुछ पार्ट टूट के इधर आके लग गया, इसका कुछ पार्ट टूट के इधर आके इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। ए बी सी डी H I J K L M A B C D H I E F J K L और M। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता क्या है? कहलाता है ट्रांसलोकेशन। आप में से मुझे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन आप में से मुझे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी। कोई भी नहीं बताएगा। सोच लें, ये जो मैंने आपको ट्रांसलोकेशन बताई है ये क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट ईयर में आपने क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन पढ़ा था। जी सूफी, आप हिम्मत कर रही हैं? हंसने की क्या जरूरत? चलो मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूं। हाँ बेटा बोलो, ट्राई करो। सर, मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द सिंक। सुपर, जबरदस्त। टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जबरदस्त, एक्सीलेंट। मूवमेंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम सोर्स टू सिंक रीजन कॉल्ड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन। एक्सीलेंट, सुपर। मुझे पता है फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं आए, आप लोग माशाल्लाह सेकंड ईयर में आए हैं और आपने बड़ा अच्छा रिकॉल करा दिया। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अभी जो जहरा बेटा आपने बात की थी, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तो मैं ये बात कंटिन्यू करूंगा, टाइम ओवर होने वाला है। सिर्फ बेटा आपको इतना बता देता हूँ कि ल्यूकीमिया में 9 क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट टूट के 22वें क्रोमोसोम पे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम की शक्ल नुमाया होती है। ठीक है, 9th से टूट के 22वें पे जाके लग जाता है।
ठीक है, तो अब आप सोचे 9 और 22 आपस में दोनों हेट्रोलोगस हैं, ठीक है, तो इसलिए ये कहलाएगी ल्यूकीमिया वाली कंडीशन, ट्रांसलोकेशन वाली कंडीशन है, डुप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए ये रहे क्रोमोसोम की शक्ल, क्रोमोसोम की शक्ल जो है पायलट डेल्फिया वाले केस में देखिए ये पार्ट एक्सटर्न हो रहा, और अगर इस पार्ट की एक्स्ट्रा की विजात करें तो ये किसी और क्रोमोसोम है, इसके होमोलोगस करें। चलें और आप जरा गौर करें, देखिए सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं है, 46 क्रोमोसोम आप सोचे इतनी छोटी सी जगह पे मौजूद, तो दरमियान में कोई भी गैप नहीं है, जो मैं गैप इवन दिखा भी रहा हूँ ये भी गैप बेटा नहीं है। अब आप ये सोचें कि अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान अगर एक्सचेंज हो जाए तो हम उसको बेटा क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे दैट दिस इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है, कर ले नोट कर ले, डायग्राम बना ली। क्रोमोसोम पे एक पे मैंने लिखा ABCDEF, दूसरे पे लिखा HIJKLM, यहां से EF इसके पास चला गया, वहां से HI इसके पास आ गया,